वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने उतरेगी टीम इंडिया, इंग्लैंड को चाहिए बस जीत। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में 5 में से 5 मैच जीत चुकी टीम इंडिया के हौसले इस समय बुलंद हैं। जीत का यह सिलसिला टीम रविवार को लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ भी जारी रखना चाहेगी। रोहित शर्मा एंड कंपनी इस मैच को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यहां जीत से भारत की सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी। इसके साथ ही मेन इन ब्लू पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में अपनी अपमानजनक हार का बदला लेने के लिए भी उत्सुक होगी, जहां इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में 10 विकेट से रौंदा था। बात करें इंग्लैंड की तो उसका हालत पतली है। टीम शुरुआती 5 में से 4 मैच हार चुकी है, जहां एक और हार उसके खिताब बचाने की उम्मीदें को धराशायी कर देगी। भारत के पास हालांकि इकाना स्टेडियम को लेकर बहुत अच्छी यादें नहीं हैं। पिछले साल उसने इस मैदान पर एकमात्र वनडे मैच गवाया था। लखनऊ का विकेट धीमा है और स्पिनरों के लिए मददगार है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि पिच कैसा व्यवहार करती है, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले सतह को फिर से तैयार किया गया है। टीम न्यूज के बारे में बात करें तो हार्दिक पांड्या अभी भी ठीक नहीं हुए हैं और इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस मुकाबले के लिए रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकता है। वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का हेड टू हेड। वनडे वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें 8 बार एक दूसरे से भिड़ी हैं, जिनमें से इंग्लैंड ने 4 और भारत ने 3 मैच जीते हैं। 2011 में एक गेम टाई पर समाप्त हुआ था। भारत अगर रविवार को इंग्लैंड को हराने में सफल रहता है तो उसकी डिफेंडिंग चैंपियन टीम पर 20 साल में पहली वर्ल्ड कप जीत होगी। दोनों टीमों के बीच कब शुरू होगा मैच, जानते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच मैच रविवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कहां देखें एंड वर्सेस एंड वर्ल्ड कप मैच। भारत में फैंस भारत इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकते हैं। कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग। फैंस भारत इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ऐसे ही लगातार खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बटन दबाकर अल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि पल पल की खबर आप तक पहुँचे।